बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। जॉब जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये एंट्री टेस्ट हुआ है और ये शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो कि कराची में है, इसके लिए ये पेपर हुआ है और ये पेपर जो है 11 जनवरी 2022 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से हल करने की कोशिश करते हैं कि बैटल ऑफ बद्र वॉज फॉट ऑन 17 रमदान डे हिजरी। बैटल यानी गज़वे बद्र जो है ये 17 रमदान मुबारक 2 हिजरी को लड़ी गई थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु इज कॉल्ड कंपाइलर ऑफ द होली कुरान, यानी कुरान मजीद के कंपाइलर किसको कहते हैं, तो ये हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं और इसका मशवरा जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नमाज यानी सलात जिसे कहते हैं बिकेम ऑब्लिगेटरी इन, नमाज जो है ये कब फ़र्ज हुई थी, ये 10वीं को फ़र्ज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द लास्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज, कुरान मजीद की आखिरी सूरत कौन सी है, सूरह अल नास है और पहली सूरत जो है सूरह अल फातिहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द लार्जेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है, सूरह अल बकरा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोविड-19 एपिडेमिक फर्स्ट स्टार्टेड इन, कोविड-19 जो है ये चाइना से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द हॉटेस्ट प्लेनेट इज, सबसे गर्म तरीन सियारा जो है ये वेनस है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 1962 कन्वर्टेड पाकिस्तान इनटू, 1962 का आइन जो था ये प्रेजिडेंशियल फॉरम ऑफ गवर्नमेंट आइन था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डेश इज़ अ कंट्री सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शुमाल मगरब में कौन सा मुल्क है, तो ये ईरान है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्राम डैश रेडिएशन फ्राम द सन, ओजोन लेयर जो होता है ये क्या काम करता है, ये किस चीज़ से बचाता है ज़मीन को जो कि सूरज से आती है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है इसके अंदर जज़ब हो जाती है और इससे वो ज़मीन तक पहुँचने नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सेवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन, यानी विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, रिकट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज़ द एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है कि जब वो बनता है, तो ये आयरन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो होता है किस पार्टिकल पर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर एक कोई भी चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्टिव केमिकली, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो होता है केमिकल रिएक्शन में, तो ये कौन सा है, ये फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, कौन सा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन के को रेट को बढ़ाता है, तो ये एंजाइम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा एलिमेंट को अनासर कौन सा है, तो ये नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1920 बाई। प्रोटॉन जो होता है जो कि न्यूक्लियस में होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक एटम में मौजूद होता है और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया 1920 में और ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द सिंबल ऑफ गोल्ड इज, गोल्ड का सिंबल जो है क्या है, AU है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सब्सट्रैक्ट 5x की दो -9x -10 फ्रॉम 8x की दो +10x -25, इसको अगर आपस में आप माइनस करो तो इससे 3x की दो +19x -15 आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, क्रोमोसोम जो होते हैं ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं जिसे मरकजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ, रिप्रोडक्शन जो है ये ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की ज़िंदगी गुजारने के लिए, स्पीशीज जिसे कहते हैं मस्कन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली ऑफ, एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं किस चीज़ के, ये प्रोटीन्स के। क्वेश्चन नंबर 24 है कि माइटोसिस इज डिवाइडेड इन माइटोसिस, जितना क्रश करेक्ट ऑप्शन जो इसमें था और बोथ ए एंड बी था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा ग्लैंड जो है कौन सा है, लार्जेस्ट, तो ये लिवर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ओमनिवर्स
एनिमल्स डिराइव्ड देयर फूड फ्रॉम ओमनीवर, जो होते हैं जानवर ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से खुराक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मोमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज, यानी जो लिक्विड का मोमेंट होता है, हरकत होता है इसकी मॉलिक्यूल्स का, कि वो कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ दियर इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज, ये स्टडी ऑफ एनिमल जो होता है ये इसके माहौल के मुताबिक, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एक्सेप्ट, चार ऑप्शन दिए हुए थे कि वो कह रहे थे कि सेल वॉल जो होता है बाकी तमाम में होता है, लेकिन एक जो होता है जिसमें नहीं होता तो वो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ही सेड टू मी आई वाज इल, तो इसको नरेशन में चेंज करना है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, आई वाज है तो ये पास्ट है तो ये हैड बीन, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यानी ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन इल। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वेयर डिड द कार, तो वर्ब आपने लिखना है कि वेयर डिड यू पार्क द कार। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शी इज नॉट अफ्रेड डैश डेथ, ये प्रीपोजिशन आपने जो है यहाँ पर लगाना है, यानी शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मौत से नहीं डरती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द पोएम अबू बिन आदम इज कंपोज्ड बाय, ये एक पोएम है अबू बिन आदम, इसको किसने कंपोज्ड किया है, ली हंट ने। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द हीरो ऑफ द नावल द प्रिजनर ऑफ जिंडा इज, ये एक नावल है कि इसका जो है हीरो कौन है, तो रेडोल्फ रेसेंडाइल है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि फ्रॉम पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन द फोर्थ पार्ट ऑफ मैंस लाइफ इज, ये एक पोएम है ये कि इसका फिक्र जो है किसी लिए गया है, तो ये सोल्जर्स है, सोल्जर इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द पोएम सोलिटरी रैपर इज कंपोज्ड बाय, सोलिटरी रैपर जो है ये किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस होटल डेज 3 डेज, यानी यहाँ पर फॉर लगेगा, पता नहीं किसने कौन से डेज की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है, डेज कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर फॉर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि शी हैज़ डिस्कस्ड द मैटर विद हर टीचर, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी द मैटर हैज़ बीन डिस्कस्ड विद हर टीचर बाय हर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मैन इज आंसरेबल डैश गॉड डैश हिज एक्शन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, टू लगेगा, यानी मैन इज आंसरेबल टू गॉड, यानी आदमी जो है ये खुदा को जवाब दे है फॉर हिज एक्शन, यानी जितने वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हु इज द हीरो ऑफ द काउंट्स रिवेंज, तो ये कौन सा है, इसका हीरो कौन है, द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ये क्या थे, ये एक रोमांटिक पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल और फेमस लाइन्स इन द पोएम, तो ये जो है ये करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द पोएम चार्टर करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज रिटन बाई, ये एक नज़म है, इसको सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। इसके टोटल 50 एमसीक्यूज थे, 43 मुझे रिसीव हुए हैं। तो फ्रेंड ये था पेपर, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।